बना रहे मास तो बना रहे हैं आज। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो मेरा वीडियो में आप सभी को स्वागत है प्रियंका सिंह के किचन में। तो आज हम अपना किचन में लेके आ गए पनीर बटर मसाला। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं पनीर, जितना चाहिए उतना पनीर ले लीजिए। और इधर हम गर्म पानी होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आज हम पनीर बटर मसाला बनाएंगे, तो पनीर के फ्राई करके बनाएंगे। और ये सब मसाला सब ले लिए हैं, ये कुछ खड़े मसाले हैं, जो भी खड़े मसाले में आते हैं सब कुछ है यहाँ। जीरा, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लाल मिर्ची, दालचीनी, जावित्री। और यहाँ पर हम थोड़ा सा काजू ले लिए हैं, काजू लिए हैं ग्रेवी के लिए, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डाल के बनाएंगे, बिन पानी के बनाएंगे, ड्राई वाली बनाएंगे। और यहाँ तेजपत्ता है, दो मीडियम साइज का टमाटो है, इसको हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हम बड़े साइज का दो प्याज के कट कर लिए हैं, बारीक कट नहीं किए हैं, क्योंकि इसको फ्राई करके फिर से हमको पेस्ट बनाना है। यहाँ पर आठ दस लहसुन के कलियाँ हैं, तो हम सबसे पहले काजू फ्राई कर लेंगे। काजू फ्राई इसलिए करेंगे कि काजू फ्राई हो जाएगा तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें पनीर फ्राई करेंगे तो लगेगा नहीं। तो इसको हम अलग पलट के अच्छे से फ्राई कर देंगे। तो एक साइड फ्राई हो गया, हम दूसरे साइड पलट दिए हैं। तो यहाँ पर काजू फ्राई हो गया है, इसके बाद हम चलते हैं अब पनीर फ्राई करने। पनीर को फ्राई करेंगे तो हम गैस को एकदम मीडियम रखेंगे, न तो जल जाएंगे आपका पनीर, तो टेस्ट खराब हो जाएगा। ये हम एकदम गैस को मीडियम करके रखते हैं। एकदम बड़ा बड़ा टुकड़ा करके फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद इसका छोटा टुकड़ा कर लेंगे, जितना चाहिए उतना, मतलब जितना छोटा बड़ा चाहिए उस हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। फ्राई करने में इजी होगा, इसलिए हम बड़ा बड़ा रखते हैं। तो अच्छे से पनीर फ्राई हो गया है, तब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर चेंज हो गया है। तो पनीर का बहुत सारा रेसिपी मेरा चैनल पर है, लेकिन हम बहुत सारा अभी सब्जी का भी है और ऐसे भी रोल भुजिया सबका है, लेकिन हम पहली बार ऐसे फ्राई करके पनीर बना रहे हैं। तो पहली बार मेरा चैनल पर ऐसा, क्योंकि हमको फ्राई करने के बाद हार्ड हो जाता है, तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम बिना फ्राई किए हुए ज़्यादा करके रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पर गर्म पानी हो गया है, तो हम गैस से कर देते हैं और इसमें हम पनीर के डाल देंगे, क्योंकि फ्राई कर दिए तो हार्ड हो गया, तो इसमें डाल देंगे, डालने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको हम 5 मिनट ढक के छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं इसका मसाला प्याज फ्राई करने, मसाला बनाने। तो यहाँ पर हम कुछ खड़े मसाले लिए हैं, उसको हम सबसे पहले डालेंगे इसमें। तो काजू के हमको साथ ही में फ्राई करना था, लेकिन पनीर चिपक जाएंगे कढ़ाई में, इसके लिए हम पहले काजू फ्राई कर लिए हैं। तो अब इसमें हम मसाला, कुछ खड़े मसाला डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे प्याज और लहसुन, साथ ही में डाल दिया खड़ा लहसुन। गैस को करेंगे तेज और इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। जब तक फ्राई हो रहा है, प्याज जब तक हम चलते हैं, टमाटो का पेस्ट बना लेते हैं और इसको हम साथ ही में प्याज के साथ पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो रहा है, हाफ फ्राई हो गया है, थोड़ा सा इसको 1 मिनट और फ्राई करेंगे। तब तक हम इसको इधर मसाला फूलने के लिए रख देते हैं पानी में। पानी में फूलने के बाद अच्छा टेस्ट आता है सब्जी के। तो यहाँ पर हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, और 1 चम्मच सब्जी मसाला,
एक चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर जरूरी नहीं है लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए डाल रहे हैं। तो सब्जी मसाला में धनिया पाउडर होता है लेकिन फिर भी हम डाल रहे हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। और मिर्ची भी उसमें होता है तो मिर्ची भी नहीं डालेंगे। और मिर्ची यहाँ भी हम दो फ्राई कर रहे हैं, आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो मिर्ची फ्राई कर रहे हैं प्याज के साथ, ये भी इसीलिए जाएगा क्योंकि इसका साथ ही में पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो गया है अच्छे से, तो इसको अब हम निकाल देंगे प्लेट में ठंडा होने के लिए। और इसमें थोड़ा सा और तेल डालेंगे और ये मसाला फूलने के लिए रखते हैं। टेस्ट के हिसाब से नमक, टमाटो का पेस्ट, अब इसको गैस के एकदम मीडियम करके और ढक के इसको पकाएंगे। तो इसी में हम काजू और जो प्याज मसाला खड़ा पत्ता फ्राई किए हैं सबको साथ में हम पेस्ट बना लेंगे। हम एक इंच अदरक के टुकड़ा ले लिए हैं, उसको भी इसी में हम पेस्ट बना लेंगे साथ में। यहाँ पर टमाटो और मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है और अब हम चलते हैं इसमें पेस्ट बनाए हैं। एकदम इसको फाइन पेस्ट बनाना है, एकदम चटनी के तरह ही बन गया है, अच्छे से बनाए हैं इसको, एकदम नहीं करना है, मोटा नहीं रहना चाहिए। तो इसको भी हम साथ में इसको अच्छे से ढक के पकाएंगे जब तक कि तेल इसमें से रिलीज ना हो जाए, तब तक इसको पकाएंगे ढक के। तो यहाँ पर मसाला तेल छोड़ दिया है, तो इसको 10 से 15 मिनट मसाला के चलाते हुए ढक से पकाना है ताकि अच्छा सा मसाला में टेस्ट आए और पनीर बटर मसाला टेस्टी बनेगा। तो हम बटर बटर बोल रहे हैं, बटर डाल नहीं है, तो आप लोग सोच रहे हैं बटर आ गया, तो बटर हम डालेंगे लास्ट में डालेंगे क्योंकि पहले डालने से मसाला में बटर जल जाते हैं, तो जलने के बाद अच्छा खुशबू और टेस्ट नहीं आएगा, इसके लिए हम लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पर पानी डाल के 10 मिनट हो गया है, तो इसको हम पानी में से निकाल लेते हैं। एकदम सॉफ्ट हो गया है, गद्दा जैसा देखिए कितना सुंदर सॉफ्ट हो गया है। चाहिए तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन हम छोटा छोटा टुकड़ों में कट कर लेंगे क्योंकि हम उतना अमीर है नहीं कि इतना इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा खाएंगे, छोटा छोटा बनाएंगे तो पूरेगा, इसके लिए हम इसमें छोटा छोटा टुकड़ा बनाएंगे, बस पनीर का नाम होगा और बस हम लोग थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। अरे फिर इसी में चलाएंगे। तो इसका टुकड़ा अपना हिसाब से बनाइए छोटा बड़ा, देखिए इतना आराम से कट है, फ्राई किया हुआ वीडियो तो हम पहली बार बना रहे हैं, तो ज़्यादा करके हम ऐसे ही डाल देते हैं कि क्या इसको फ्राई करो फिर पानी में डालो, ऐसे डायरेक्ट डाल देंगे तो हार्ड हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। इसके लिए क्या कितना सुंदर कलर आया है, बिना कुछ डाले हुए, कुछ भी इसमें नहीं डाले थे कि वैसा कलर आने वाला, फिर भी देखिए एकदम अच्छे से तेल ऊपर आ गया है, पनीर भी कट गया है और पनीर कट गया है
और देखिए मसाला कितना अच्छा से भुनाई हो गया है, मसाला के एकदम तेल ऊपर रिलीज हो गया है इसका तेल मसाला का। इस तरीके से मसाला में तेल रिलीज हो जाए तो आप समझ जाइए कि मसाला आपका अच्छे से पक गया है। तो इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, इसको एकदम हम मसल के डालेंगे। तो अब इसमें चाहिए तो आप पानी डालिए, नहीं चाहिए तो इससे अच्छा लगता है, बिना पानी के अच्छा ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो इसमें अब हम डाल देंगे पनीर, और इसको बटर अथी बटर बोल रहे हैं नान, पराठा, रोटी तंदूरी रोटी के तंदूरी पराठा के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, लच्छा पराठा के साथ। हाँ, लच्छा पराठा के साथ। तो इसी तरीके से मेरे तरीके से एक बार बना के खाइए, होटल से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, बड़ा बड़ा ढाबा में जाते हैं ना खाने, पैसा भी कम लगेगा, टेस्टी भी कम लगेगा और बहुत ही टेस्टी। वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, थोड़ा ही मिलता है। हाँ, पनीर बटर मसाला बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो ये पानी को आपको फेंकना नहीं है, हम तो फेंकने वाले हैं, लेकिन आप चाहिए तो इसी पानी को डाल के बना सकते हैं जिसमें हम पनीर उबाले हैं। तो इसमें से हम थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि गर्म मसाला डाले हैं तो अच्छे से पक जाएगा। पर मेरा पनीर बटर मसाला बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मेरा पनीर बटर मसाला रेडी हो गया बन के, लेकिन अभी तक पनीर बटर नहीं डाले तो अब हम चलते हैं फ्राई राइस बनाने। पता चलेगा कि इसमें बटर है ही नहीं, तो इसको अब हम दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। उसके बाद वीडियो पूरा देखिए तब पता चलेगा कि बटर के बचाव कैसे होता है। तो इसमें हम मिर्ची में नमक भर के डाल रहे हैं, चाहिए तो हम स्पाइसी सब्जी नहीं बनाए हैं इसलिए हम ऊपर से मिर्ची डाल रहे हैं, चाहिए तो आप खाइए ना तो इसको फेंक दीजिए, बस इसका टेस्ट इसमें आ ही जाएगा गरम गरम, इसलिए ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल रहे हैं। तो कस्तूरी मेथी डालते हैं तो धनिया पत्ता की कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अच्छा डेकोरेशन के लिए डाल रहे हैं। तो देखिए अब आ गया बटर, तो बटर पहले डालने से जल जाता है इसलिए हम लास्ट में डाले हैं। तो ये अब हो गया पनीर बटर मसाला, और देखिए कितना सुंदर है बटर, देखने में अच्छा है। हाँ, तो अच्छा लग रहा है, और ये अब इसी में गल जाएगा बटर का पनीर समझ नहीं गल जाएगा, जब तक तुम लोग खाना खाएंगे उस समय तक गल जाएगा। तो हम बाय बोलेंगे फ्राइड राइस बना के, और इसके साथ हम बनाने वाले हैं सादा रोटी और फ्राइड राइस। तो इसको हम ढक के छोड़ देते हैं, तब तक हम फ्राइड राइस बनाते हैं। तो फ्राइड राइस हम बहुत सारा वीडियो डाल दिए हैं फ्राइड राइस के, तो इसलिए हम इसमें यही सब सब्जी सब डालेंगे, वेजिटेबल और पनीर और काजू सब, लेकिन वीडियो नहीं बना रहे हैं फ्राइड राइस का। यहाँ पर रोटी भी बन गई है, मेरा पूरा खाना बन गया, बस चटनी और खट्टा प्याज बनाना बचा हुआ है। अब हम गैस पे कर देते हैं ऑफ। तो यहाँ पर मेरा फ्राइड राइस और पनीर बटर मसाला बन के रेडी है, और रोटी भी बनाए हैं। आप सभी को पता है कि चल रहा है नवरात्रि, तो आज है संडे, तो आज ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप सभी को हैप्पी संडे और नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। तो थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के क्या बोलें, कुछ नहीं बोलेंगे, पर जो मन है जो करिए बस।
जो जिस तरीके से मेरा शॉर्ट वीडियो आप लोग देखते हैं उसी तरीके से लॉन्ग वीडियो भी देखिए तो अच्छा लगेगा हमको वीडियो बनाने में, और नहीं भी देखिएगा तभी तो हम बनाएंगे क्योंकि हमको पसंद है वीडियो बनाना। तो देखिए आज कितना सुंदर बना है पनीर बटर मसाला, बटर भी मेल्ट हो गया, अभी मेल्ट हो गया, देखिए बटर मेल्ट हो गया। तो अब इसी में हम सबको मिक्स कर देंगे, वैसे भी इसको इसमें टेस्ट आ गया होगा क्योंकि इसको हम ढक के छोड़ दिए थे तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तब इसको हम ढक देते हैं, मेरा बच्चा सब इंतज़ार भी कर रहा है खाना खाने का, तब चलते हैं सबके खाना दे देते हैं।